फ्रेंड्स, अगर आप एक फैन बाइंडिंग मशीन खरीदने के बारे में अगर सोच रहे हैं तो उसके बारे में हमें पूरी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि हमें कौन सी मशीन खरीदनी चाहिए और कौन सी मशीन नहीं खरीदनी चाहिए, उसके अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। तो आज हमारे पास एक ऐसी सीलिंग फैन बाइंडिंग मशीन जो कि आपकी उम्मीदों पर पूरी खरी उतरती है। तो फ्रेंड, ये हमारे पास एक फ़ैन बाइंडिंग मशीन जो कि हमारे पास बाई ट्रांसपोर्ट आई है। इसको फटाफट से हम अनबॉक्स कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे किस तरह की मशीन है। तो बॉक्स को हमने ओपन कर लिया। यहाँ पर हम जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमें थर्माकोल और कागज़ी वेस्टेज वगैरह लगी है ताकि मशीन हिले डुले नहीं और मशीन में कोई स्क्रेचेज़ वगैरह ना आए ट्रांसपोर्टिंग में। तो ये सारा सामान हम यहाँ पर हटा लेते हैं। तो बॉक्स को हमने अनबॉक्स कर लिया। यहाँ पर हमें सबसे पहले एक एक्स्ट्रा बॉक्स मिलता है। तो मशीन के ऊपर जो लेमिनेशन है फटाफट से हम इसको भी हटा देते हैं और अब देखते हैं कि बॉक्स के अंदर क्या क्या है। तो बॉक्स को हम ओपन करेंगे और जैसे हम बॉक्स को ओपन करेंगे सबसे पहले हमें यहाँ पर एक बैग देखने को मिला है जहाँ पर लिखा है उमंग इलेक्ट्रिकल। इसके अंदर मशीन की डाई, फ्रेम वगैरह सारे पार्ट्स इस बॉक्स के अंदर मिलते हैं। डाई वगैरह के बारे में हम अभी बात करेंगे, पहले हम इन सभी पार्ट्स को मशीन के अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस फ्रेम को यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद जो हमारा हैंडल है इसको हम यहाँ पर लगा लेंगे चूड़ी कसने के बाद, और उसके बाद यहाँ पर ये लॉक वाला बोल्ट यहाँ लगा देंगे। इसको थोड़ा पीछे करने के बाद हैंडल को यहाँ पर हम फिक्स कर देंगे और ये हैंडल कुछ इस तरह से वर्क करेगा। उसके बाद इसका स्प्रिंग वाला जो फ्रेम है वो यहाँ पर लगा देंगे और ये चूड़ी वाला जो फ्रेम है वो हम इस साइड लगा देंगे। और यहाँ पर जो तार चलेगा नमदे वगैरह का पार्ट्स यहाँ पर लगा देंगे, और ये हमारी डाई जो कि हम यहाँ पर लगाएंगे, और इसके साथ हमें मिलती है इसका केबल जो कि लगभग 2.5 मीटर के आसपास है। सारे पार्ट्स हमने इंस्टॉल कर लिए। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास उमंग बधानी कंपनी की सीलिंग फैन बाइंडिंग मशीन जिसका मॉडल है M210 यानी कि M210, और इसको हम ऑन करेंगे। यहाँ पर ऑन ऑफ स्विच मिल जाएगा, यहाँ पर वोल्टेज मीटर मिल जाएगा, इसमें वोल्टेज आ रहे हैं 224 वोल्टेज इस समय आ रहे हैं। यहाँ पर एक बड़ी सी डिस्प्ले मिल जाएगी और यहाँ पर हमें ऑटो मैनुअल का स्विच मिल जाएगा जिससे कि हम इसको रिवर्स फॉरवर्ड आगे पीछे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें ये फॉरवर्ड एरो के साथ यहाँ पर एक लाइट मिल जाएगी, यहाँ पर रिवर्स नीचे के एरो के साथ एक लाइट मिल जाएगी। यहाँ पर काउंटिंग सेट कर सकते हैं कितनी हमें टर्न्स डालनी है। यहाँ पर अप डाउन करेंगे, यहाँ से डाउन हो जाएंगे, यहाँ से अप हो जाएंगे, टोटल टर्न्स कितनी डाली यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ से हम इसको रिसेट कर सकते हैं, जब हम नई बाइंडिंग करेंगे तो यहाँ से रिसेट कर देंगे। स्टार्ट स्टॉप यहाँ से हम कर सकते हैं, मशीन चालू हो चुकी है यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दोनों ही जगह से ये मशीन चालू हो जाएगी, कोई भी आवाज़ नहीं है, कोई भी वाइब्रेट यहाँ पर नहीं है। उसके बाद यहाँ पर हमें एक की मिल जाती है जो कि हमारी दराज ओपन करने के काम में आएगी, और इस दराज के अंदर हम अपनी डाई वगैरह सब कुछ इसके अंदर रख सकते हैं। यहाँ पर हमने डाई वगैरह इसके अंदर रख दी है, नीचे हमने थर्माकोल लगा दिया है ताकि डाई और बॉडी पर कोई स्क्रेच वगैरह ना आए। और अगर हम बात करें इसके मेटल की तो मेटल काफ़ी मजबूत है। अगर हम इसको देखें कितनी गेज की ये चादर है, तो ये हमारे पास गेज से हम चेक करेंगे, नॉर्मली तो 18 ही गेज की चादर होती है, और इसको देखते हैं कितना 17-18 में ये नहीं आ रहा है। 17 गेज की ये चादर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 17 गेज में आ रही है। और जो उमंग कंपनी का M220 मॉडल आता है यहाँ पर जो होती है वो पूरी बॉडी ही एक साथ होती है, लेकिन यहाँ पर ये ऊपर से लोहे की चादर है। और अगर हम इस चादर का गेज देखें तो काफ़ी हैवी चादर है ये, तो ये 17 नहीं आ रहा, 11 भी नहीं आ रहा, ठीक है। और ये जो है 10 गेज की चादर है, मोटी सी चादर है लोहे की, तो ये काफ़ी हैवी मशीन है। और अभी हम डाई लगा करके चेक करेंगे, लेकिन एक बार हम इसको ऐसे ही चला करके देखते हैं। टर्न्स हम जितनी चाहें यहाँ से सेट कर सकते हैं, जितनी हमें टर्न्स डालनी है उतनी ही टर्न्स हमें सेट करनी होगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैग्नेटिक ब्रेकिंग सिस्टम है, यानी कि मशीन में टर्न्स पूरी हो जाएंगी तुरंत मशीन रुक जाएगी, ना ही कम टर्न्स सेट करनी होगी ना ही ज़्यादा टर्न्स सेट करनी होगी। तो यहाँ पर हम मान लीजिए कि सेट कर देते हैं 400, और तेज़ चल गया, अगर तेज़ चल जाए तो इसको इस तरह से स्लो स्लो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से रिसेट करेंगे अगर हमें ऊपर डालनी है। और यहाँ पर नोट करने वाली चीज़ ये है, अभी इस समय रिवर्स यानी कि नीचे को है, लेकिन लाइट यहाँ पर ब्लिंक नहीं कर रही। इस कंडीशन में क्या हुआ कि हमें मैनुअल ही टर्न्स ऊपर करनी पड़ेंगी, मैनुअल ही नीचे करनी पड़ेंगी इस तरह से, लेकिन ऑटोमेटिक चलनी है तो फिर हमें यहाँ पर इसको लाइट को ब्लिंक कराना होगा। जिस तरह से यहाँ पर ब्लिंक कर रही है, दोबारा से इसको कर देंगे तो ये ब्लिंक करने लग जाएगी। अब हमें चाहे रिवर्स डालना है, फॉरवर्ड डालना है, उधर का ये यहाँ पर ब्लिंक करना बंद कर दिया है, दोबारा से इस पर लेकर आएंगे, दो बार दबा देंगे ब्लिंक हो जाएगा, इधर को करना चाहे तो इधर हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर हमारा फंक्शन ठीक से समझ में आ गया, ये स्टार्ट स्टॉप हो गया, यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हमें यहीं से चलानी चाहिए। स्टार्ट करते हैं 1, 2 एंड 3, देखते कितने टाइम में इसकी टर्न्स कंप्लीट हो जाती है। तो मशीन काफ़ी स्पीड से चल रही है,
और कोई भी वाइब्रेट नहीं है, और ये अभी हमारी लाइट से चल रही है। एक बार हम इसको इन्वर्टर से भी चला करके देखेंगे कि ये इन्वर्टर से चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। तो ये टर्न्स कंप्लीट होने देते हैं, लाइट को हम ऑफ कर देते हैं। लाइट हमारी ऑफ हो चुकी है और इन्वर्टर पे हम इसको लगाते हैं। इन्वर्टर से हमने इसको लगा दिया है, लाइट ऑफ हो चुकी है। अब हम इसको अगर चला करके देखें कि इन्वर्टर से चल पाती नहीं चल पाती, देखते हैं। तो मशीन एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही है इन्वर्टर से। तो अगर आपके पास इन्वर्टर है तो भी इन्वर्टर से मशीन चल जाएगी, 600 VA का, तब भी आपकी मशीन ये चल जाएगी। इसके मशीन के जो RPM है वो है 1440 RPM की, इसके अंदर मोटर लगी है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही मोटर ऑन होती है तो यहाँ पर ये वाली लाइट जल जाएगी कि मोटर इस समय चल रही है, और जैसे ही ब्रेक लगेंगे तो यहाँ पर ये वाली लाइट ऑन हो जाएगी। जितनी देर ब्रेक लगे रहेंगे ये वाली लाइट ऑन रहेगी। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाली लाइट जल रही है, मोटर ऑन, और जैसे ही ब्रेक लगेंगे ये वाली लाइट ऑन हो जाएगी और उसके बाद बंद हो जाएगी। वोल्टेज जो है इन्वर्टर के बहुत ही कम आ रहे हैं, 184 वोल्टेज दे रहा है लोड पर, इसके लोड पर। वैसे वो लाइट के जो वोल्टेज थे वो 224-25 थे। तो जैसे ही मशीन बंद हुई वोल्टेज यहाँ पर बढ़ गए हैं, और अभी अगर हम लाइट ऑन कर दें तो आप देखेंगे कि वोल्टेज यहाँ पर 219-20 हो चुके हैं। तो आपको पता लगेगा कि हमने इसको इन्वर्टर से चलाया था। अब हम इसके डाई के सेटअप के बारे में देख लेते हैं कि डाई का सेटअप कैसा है इसका। तो फ्रेंड, वंग की मशीन के साथ हमें मिलता है मल्टी डाई का पूरा सेटअप, और यहाँ पर हमें एक लोहे का टेयर मिल जाता है, यानी कि ये टेयर के ऊपर रखने का है। इससे ये फ़ायदा होता है कि अगर टेयर वगैरह टूटा वगैरह है तो यहाँ पर तार फंसेगा नहीं, टूटेगा नहीं। उसके बाद यहाँ पर हमें दो गुटके मिल जाते हैं डाई फंसाने के लिए, एक हाई स्पीड का गुटका, इसको हम बाद में देखेंगे। यहाँ पर हमारा ये नॉर्मल वाला गुटका जिसमें सभी डाई हमारी फिक्स होंगी। तो पहले उमंग की मशीन के साथ जो डाई का गुटका आता था यहाँ पर एलेंकी लगी होती थी, लेकिन अब यहाँ पर बोल्ट लगा दिया और इसके अंदर यहाँ पर एक नॉप लगा दी है ताकि डाई हिले नहीं, हम डाई को आसानी से सेट कर सकें। तो ये काफ़ी एडवांस हो गई पहले से भी डाई, तो डाई बहुत ही सिंपली लग जाएगी। तो बोल्ट को हम लूज़ करेंगे और डाई को इस तरह से रखने के बाद बोल्ट को टाइट कर देंगे। और ये जो मल्टी डाई है सभी स्टेनलेस स्टील की डाई है, लोहे की डाई नहीं। यहाँ पर हम इसको मैग्नेट से चेक कर लेते हैं, कोई भी डाई मैग्नेट पर नहीं चिपक रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लोहे का, यहाँ पर ये चिपक रहा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें मिलती है एक नंबर की डाई जो कि हमारे 16+16 के पंखे में यूज़ होने वाली है। उसके बाद ये है 3 नंबर की डाई जो कि हमारी 14+14 के फैन में यूज़ होने वाली है। उसके बाद ये है 4 नंबर की डाई जो कि हमारी 12+12 के फैन में यूज़ होने वाली है। और उसके बाद ये हमारी 5 नंबर की डाई जो कि हमारी 6+6 के हाई स्पीड फैन के अंदर यूज़ होने वाली है। और इन सभी डाई की लाइफ टाइम वारंटी, यानी अगर इस पर जंक आ जाए तो आप इसको कभी भी रिप्लेस कर सकते हैं। और मशीन की जो गारंटी आती है वो 5 साल की गारंटी आती है, और मशीन के काउंटिंग मीटर की 1 साल की वारंटी आती है। तो अभी हमने देखा इसकी डाई वगैरह के बारे में, अब हम इसकी डाई को सेट करते हैं और इसके अंदर कॉइल बना करके देखेंगे। ये हमारे पास डाई का गुटका नॉर्मल वाला, 2 गुटके हमारे पास, एक हाई स्पीड का गुटका और एक ये नॉर्मल वाला। तो ये यहाँ पर 2 पेच है, यहाँ से इसको टाइट करना होगा। फर्स्ट टाइम तो हमें सिर्फ एक ही बार गुटका लगाना होगा, डाई हम बाद में लगाएंगे। पहले ये गुटका लगाएंगे डाई होल्डर, उसके बाद ही हर बार डाई चेंज करनी होगी, गुटके को हमें नहीं खोलना होगा। तो यहाँ पर हमें जो है ये गुटके में ये बोल्ट मिल जाता है 10 नंबर का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पर ये पिन लगा रखी है, इससे हमें डाई सेट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ हमें इसको लूज़ करना होगा और इसको फंसाएंगे, ये जो खांचा है ये डाई हमारी सेट हो जाएगी। ज़्यादा कोई झमेला है नहीं, पहले ये नहीं आता था लेकिन अब ये आने लग गया, तो डाई सेट करने में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। इस मशीन में तार टूटने की शिकायत नहीं होती क्योंकि मैं इसका जो M220 मॉडल है वो पिछले साल से यूज़ कर रहा हूँ। तो ये हमने टाइट कर दिया है, अब बारी आती है इसकी डाई फिट करने की। डाई में ज़्यादा कोई झमेला है नहीं, सिर्फ हमें इसको लूज़ करना होगा, और ये इतने सिंपली इसको यहाँ पर यहाँ से ये हमें इस तरह से पकड़ना होगा और ये हमारी डाई सेट हो जाएगी। और इसको यहाँ से लॉक कर देंगे, आगे पीछे कर सकते हैं, फिलहाल ज़्यादा ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। और उसके बाद जो हमारी दूसरी डाई वो भी यहीं से सेट हो जाएगी, सिर्फ हमें बोल्ट लूज करना होगा और ये फंसा दिया, इस तरह से पकड़ लेंगे, ठीक है, इसको टाइट कर देंगे। ज़्यादा हमें उधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही तरह साइड से डाई टाइट हो जाएगी। पहले यहाँ पर एलेंकी बोल्ट आते थे, अब यहाँ पर ये बोल्ट लगा दिए हैं। तो फ्रेंड, ये थी हमारी उमंग बधानी की फैन बाइंडिंग मशीन, इसकी कंप्लीट वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। वैसे मशीन एकदम बढ़िया है क्योंकि इसका M220 मॉडल मेरे पास पहले से है, उसको मैं 1 साल से यूज कर रहा हूँ, लेकिन इस मशीन को थोड़ा सा और यूज कर लेता हूँ। उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो के बाद आएगा, उसको देखना बिल्कुल भी ना भूले। लेकिन अगर आप इस मशीन को परचेस करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।